और शॉपिंग करना है? नहीं करना। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं हम आपका नए व्लॉग में। नए व्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, ये रही हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, आप यहाँ पर आ जाइए, वहाँ पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सबसे ढेरों बात करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए व्लॉग की। आज का दिन है बुधवार और आज मौसम बड़ा मस्त है, देख रहे हैं बारिश हुई है, नहीं तो कुछ दिनों पहले इतनी गर्मी थी जी पूछिए मत। तो पिछले दो तीन दिनों से जो बारिश हो रही है तो मौसम थोड़ा अच्छा कर दिया है, तो सोचे कि आज सुबह सुबह यहीं से आकर के व्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। और वैसे आज जिया को हॉस्पिटल भी लेकर के जाना है, तो चलते हैं जी और कुछ आपको आसपास का कुछ मौसम दिखा देता हूँ। तो जी देखते हैं जिया क्या कर रही है। तो ये सब कपड़ा समेट रही है। और क्या आगे कुछ? कपड़ा फोल्ड कर रही है, क्या करेंगे, जल्दी से आप स्नान करके आओ तो हम भी जाएंगे। स्नान क्या, तुम ही पहले कर लो, हम बाद में कर लेते हैं। आप धो दोगे? हाँ धो देंगे। कभी कभी धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। कभी कभी, कभी नहीं धो सकते हो। बहुत बढ़िया, आप जल्दी से स्नान करो फिर हम जाएंगे। वैसे जब हम धो देते हैं उससे तुम संतुष्ट भी नहीं होती है, ये हो बात। जी हम आ गए हैं नहा धो करके और अब हो गए हैं पूरा फ्रेश और अब करते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद फिर लगते हैं अपने काम पर। वैसे नाश्ता तो हमेशा जिया ही लगा देती है, लेकिन क्या जाता है जी, अपने से ही सेब काट लेते हैं। एक बचा है अनार छिलने का, अनार छिला मुझसे नहीं होता है, बहुत मेहनत का काम है वो। तो जी मैंने अपना भी नाश्ता लगा लिया और पापा का भी नाश्ता लगा लिया, चलते हैं पापा को उनका नाश्ता दे देते हैं। डैडी नाश्ता ले लीजिए। तो जी हमारा लग गया है नाश्ता और अब हम अपना नाश्ता कर रहे हैं। जिया भी नहा करके आ गई है, बहुत ज्यादा लेट हो गया था इसलिए कुछ किया नहीं मेकअप। क्या कपड़ा ज्यादा धोना पड़ा गया? कल तबीयत ठीक नहीं था तो कपड़ा नहीं धो पाई थी। अच्छा। A few moments later. जी अब चलते हैं और पापा को कोट छोड़ करके आते हैं। जी अभी जो आप सीन देख रहे थे वो मैं अपने पापा को कोर्ट छोड़ करके आ रहा था, तो वो रास्ते का सीन था। तो घर पहुंच गए हैं और अब जिया तैयार हो रही होगी, उसको बोला था कि तैयार रहने, और अब यहाँ से फिर मार्केट जाना है, कुछ हेल्थ इशू है, तो जिया को डॉक्टर के पास लेकर के चलेंगे। ये ले जी यहाँ पर घर आए हैं तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई है, डॉक्टर के पास जाना है, किसी शादी का फंक्शन होने जा रही है। नहीं मिला तो वो टॉपिक है। आज भी फ्रिज में कुछ नहीं मिला, ढूंढने आते हैं कि फ्रिज में कुछ मिल जाए खाने के लिए, है ही नहीं फ्रिज में। अभी निकलना है या नहीं, आधा घंटा बचा है मात्र। बहुत बढ़िया, उल्टा मेरे ऊपर बेल फोड़ दो, चलो जल्दी।
हो गई डॉक्टर से मुलाकात और फिर अब उसके बाद हम लोग चल रहे हैं। इसका सिर दर्द बार बार होते रहता था, इसलिए इसको डॉक्टर के पास लेकर के आ गए। बार बार की दवाई दे दिया, खाते रहो। बिल्कुल खाते रहना दवाई, और इसके वजह से तो लेट होने वाला था, लेकिन किसी तरह पहुंच गए हम लोग। बहुत बढ़िया। ओ भाई, ये कौन से गंगा नदी में घुसवाई हमको? तो सब को शौक है, तुम क्या करेगी पत्नी को खड़ी और कहीं गिरी तो शाम में कब चल जाएगा? ओए होए, फोन आ गई गलत मेरी बीवी को नहीं है। बहुत बढ़िया। और इस गंगा नदी को पार करके हम लोग चल रहे हैं उस पार। शौक है कि पत्नी को दे बर्थडे पे सजा कपड़ा खरीद के, तुम क्या कर सकते? तुम बोल भी सकती है ना हम नहीं लेंगे। हम क्यों बोलेंगे भाई, आई लक्ष्मी कौन घुमाता है? नाली में नहा करके कपड़ा खरीदो बर्थडे का। हम तो पीछे बैठे हुए हैं। एक बार बस खाली मिस होने का देरी है, पैर सीधा लैंड करेगा उसी में। करने करने करवाइए दिया लैंड की। पानी में क्या क्या होगा? चलो यहाँ जी आ गई है खरीदारी करने। पसंद आया कुछ? यही तो दिक्कत है, जहाँ जाती है पसंद ही नहीं आता है कुछ। अभी पसंद करके देखो। हमको कोई पसंद नहीं आता है, असल बात हमको पसंद करने आता है। सब मैंने ये एक दिमाग लगा से शुरुआत, दाम लिख देता है लिखेगा से शुरुआत से शुरुआत। आई थी अपना कपड़ा खरीदने, यहाँ पर्दा देखने लगी। हाँ, हमको कुछ पसंद नहीं आया। तुम लेने आई थी कपड़ा, उसके बाद घुस के आई। नहीं दिया, चैन से लोग देखेगा 5 मिनट 6 मिनट की फिर नहीं बोलेगा, बोलेगी ये नहीं पसंद है, तो आप बोलोगे चलो 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 नहीं पसंद। तो तुम देखो तो मन आएगी कुछ। ये खाली डब्बा लेके चल रही है, कुछ देख लो फिर बोलेगी पसंद नहीं आया। खरीदो ना, तुम मना कौन कर रहे? हाँ बिल्कुल ले लो, एकदम लग रहा हल्दी चंदन लगा हुआ है इसमें। तो जी आए थे हम बर्थडे की खरीदारी करने, अजिया घर का सामान उठा के ले जा रही है। हमको पसंद नहीं आया, तुम क्या करें? दवाई क्यों बेकार में? हमको पता था कि पसंद नहीं आएगा। तो जी हम लोग माता जी के दर्शन कर लिए और अब यहाँ से हम लोग घर की ओर निकलते हैं। और सोचे थे अंदर जाएंगे, लेकिन अंदर गेट बंद है, तो बाहर से ही माता जी को प्रणाम कर लिए और आशीर्वाद ले लिए, उसके बाद घर चलते हैं। घर जाने से पहले देखते हैं कुछ और दिख जाए बीच रास्ते में अच्छा दिखाने लायक, तो आपको वो भी दिखा देंगे। तो जी चलते हैं फिर। ये देखिए जी, छोटी गंगा बोल के नाली में कूदा थी, पैर मेरा भी चला ही गया उस बालिका के चलते। पैर मेरा नहला दिया, मेरा भी नहला गया। जाम लगी हुई है यहाँ पे जी, उस ट्रैक्टर की वजह से मर जा ट्रैक्टर वाले भाई। चलो साइड से निकालते हैं, निकल जा भाई, निकल जा निकल जा निकल जा पिट्ठू से, और निकल गए। निकल गए हाँ, बहुत कठिन था। बस कौन सा पानी वाला रास्ता हम लेके आए हो? और शॉपिंग करना है? नहीं करना और थोड़ा पानी में हिला। नहीं,
पानी का थोड़ा और सैर कराते हैं। देख रही है क्या हालत है, इतना रोड का सीन कैप्चर हुआ है इस बार। यो ब्लॉग बन गया है। अरे बाप रे क्या पानी है, हो गया फिर कल्याण है आज। जितना सस्ते हैं पैर जमीन में नहीं रखेंगे उतना ही रखवा देता, अब जिससे अब रखना पड़ेगा। आइए रखा गया। हे भगवान करो कल्याण, जल्दी मुक्ति दिलाओ इस जाम से, जल्दी मुक्ति दिलाओ इस पानी से। आते हैं वो आज लड़का। तो जी अभी हम आए हुए हैं कटिहार स्टेशन जी, यहाँ से कहीं जाना नहीं है, यहाँ पर ब्लॉग को अंत करना है। अभी तो ये पूरा बंद पड़ा है लेकिन कुछ ट्रेन लग रहा है चल रही है, भगवान जाने कब खुलेगा और हम लोग भी घूमने चलेंगे। बहुत मन है घूमने का लेकिन घूम नहीं पा रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से। तो बताइए जी कैसा लगा आज का यह ब्लॉग, अगर यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले, और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।